10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के बरहरा गांव का है, जहां उपनिरीक्षक हरिश्चंद्र एक मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। आरोपी के भाई से नाम हटाने के एवज में 50,000 की रिश्वत की मांग पीड़ित भाई से लगातार उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी किसी अधिकारी ने पीड़ित भाई की बात को संज्ञान में नहीं लिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम के उच्च अधिकारियों से लखनऊ जाकर की और लिखित प्रार्थना पत्र देकर उपनिरीक्षक हरिश्चंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एंटी करप्शन टीम ने तत्काल 11 सदस्यीय टीम बनाकर जिला हमीरपुर भेजा, जहां पर जलालपुर थाने में तैनात SI हरिश्चंद्र को रंगे हाथों 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। हरनारायण प्रजापति, हमीरपुर। मामला ये था कि मेरे भाई के ऊपर मुकदमा जो लिखा गया था उसकी विवेचना हरिश्चंद्र SI जलालपुर के कर रहे थे, तो इनसे मैंने बात की तो ये बोले कि आप पैसा दे आइए तो धाराएं कम कर देंगे। और तो मैंने कहा ठीक है सर। कितने हज़ार पैसे की डिमांड? 50,000 रुपये कह रहे थे मान लो, तो मैं 8,000 रुपये एक दिन दे आया। इसके बाद फिर इन्होंने लगातार मुझे फ़ोन किया, तो मैं फिर लखनऊ चला गया। मान लो लखनऊ में जाके मैंने पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई, पुलिस उप महानिरीक्षक जी के यहाँ। उन्होंने एंटी करप्शन की टीम गठित की और आज एंटी करप्शन की टीम आई और जलालपुर थाने के बाहर रंगे हाथों 10,000 रुपये ले रहे थे पकड़ा गया। स्वर्गीय श्री भगत सिंह लोद रहने वाले बरहा के हैं, थाना जलालपुर हमीरपुर के। इनके भाई के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था थाना जलालपुर में, मुकदमा अपराध संख्या 63/2022। उसमें उसको वांछित बनाया गया था और उस अपने भाई के जब गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो इन्होंने जो है पैसे की डिमांड कर दी कि तुम्हारे भाई को मैं निकाल दूंगा। शिकायतकर्ता इसकी शिकायत जो है एंटी करप्शन को उन्होंने दिया। प्रार्थना पत्र की पहले जांच हुई, जांच होने के उपरांत सही पाए जाने पर आज जो है टीम पूरी आई और ये लखनऊ की टीम है, TF इकाई है। और इनको जो है वहीं जलालपुर कस्बे में चाय की दुकान है उसके पास से है इनको 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। कितने पैसों की मांग की? 10,000 रुपये पर डिमांड तो इनकी ज़्यादा थी 50,000 रुपये, लेकिन आज 10,000 रुपये देते हुए पकड़े गए। कितने सदस्य टीम ने कहा जी? कितनी सदस्य टीम ने कहा? 11 सदस्य हैं, 2 लोक सेवक हैं, वो DM साहब के साक्षीगढ़ होते हैं और इंस्पेक्टर लोग थे और हेड कांस्टेबल।